तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त मैं चाईबासा पहुंच चुकी हूं। गीता कोड़ा जो कि भाजपा की प्रत्याशी है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम लगातार क्योंकि लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, नामांकन बस होने ही वाला है, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जनता ने एक बार फिर से जो है भरोसा जताया है। बिल्कुल एक्साइटमेंट है और अपने जिम्मेदारियों का एहसास भी है। जिस तरह से लोगों का हुजूम आज आया है तो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार। गीता जी, आपसे हमारी दूसरी बार बातचीत है, आपने कहा कि इस बार क्योंकि चुनावी मैदान में है, आपके साथ ये जो बहनें खड़ी है इनको लेकर भी अब आप काम करने वाली है। दर्शक आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं, बताइए कि आपके आगे की रणनीति क्या। आगे जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं को, खासकर जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो विचार रखे हैं, कार्य किए हैं, 33% आरक्षण हो या दीदी जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को लखपति करने की बात हो, उसके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का बात हो, तो उन्होंने जो कहा है बस क्षेत्र में उसी ये पर हम लोग उसी लाइन पर काम करेंगे और यहाँ की दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको संपन्न सबल बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। देखिए एक तस्वीर मैं दिखा दूं जनता की, एक बार मैं चाहूंगी भीड़ एक बार आपको दिखा दी जाए। गीता कोड़ा हमारे साथ मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी यहाँ पर है और क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात अगर कर ली जाए तो जेएमएम के प्रत्याशी जोबा मांझी के चुनावी मैदान। आखिरी सवाल गीता जी, जोबा मांझी जी को कैसे देख रही है? जोबा मांझी जी प्रत्याशी हैं और चुनाव है, चुनाव में वो हमारी प्रतिद्वंदी है तो प्रतिद्वंदी के रूप में ही मैं उनको देखती हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।